अपार कृपा से नवरात्रा जो आज शुरू हुआ, आज ये देख रहे हैं कि पूरे माँ भगवती का सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे, यही कामना करते हुए। और नव दुर्गा का जो 9 दिन पूजन होना है, विधि अनुसार होना है। जम्मू कश्मीर में बड़ा नुकसान पहले कोरोना की वजह से भी हुआ, मिलिटेंसी की वजह से भी हुआ, कितने लोग हमारे शहीद हुए। तो एक मन बना है कि हम इस नवरात्रों में एक दिन शहीदों के लिए और जो हमारे बीच कोरोना के वजह से गए उनकी आत्मा की शांति के लिए एक दिन हमारे राधा कृष्ण मंदिर में श्री राधा माधव ट्रस्ट की ओर से एक आयोजन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि संत समाज जो है उस दिन सारा आए और इस महामारी से कैसे बचा जाए, माँ भगवती करे त्रिकुटा पे बैठी माँ वैष्णो सभी को आशीर्वाद दे, देश विदेश में बैठे हुए लोगों को भी और प्रदेश में बैठे हुए लोगों को भी। और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बड़े नुकसान हुए हैं लोगों को, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दे करके आपने जो पहल की है वैष्णो देवी की यात्रा बढ़ाने की, मंदिरों के कवाड़ खोलने की, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और साथ साथ में ये कामना करता हूँ कि और भी जो धार्मिक प्रवृत्ति से काम होने हैं, चाहे वो बाबे वाली माता है, चीची माता है, माँ शुक्राला है, माँ चंडी है, माँ ज्येष्ठा है, माँ वैष्णो है, तो जम्मू के जितने तीर्थ स्थान हैं उसमें रोज़ शंखनाद हो, रोज़ आरती गूंजे, रोज़ कंजक पूजन हो। इसी के साथ मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज अच्छा विषय जो है चुना और हमें भी उसमें शामिल किया। जय माता दी।